इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, अब आपको बीजेपी की सियासी धार दिखाते हैं। संदेश खाली में यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिलाओं के यू टर्न लेने पर घमासान तेज हो गया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जुर्म करके छिपाने का पैटर्न टीएमसी का है। गृह मंत्री से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस खाली को लेके बीजेपी के तरफ से उसको एजेंडा बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, लेकिन टीएमसी का कहना है स्टिंग ऑपरेशन के लेकर बात बात में और सारे वीडियो भी आएंगे। तृणमूल कांग्रेस की पैटर्न रही है, पहले जुर्म करो और बाद में जुर्म को जुटलाने के लिए जिन पर जुर्म हुआ है उस पर और जुर्म करो। संदेश खाली, ये शर्मनाक घटना है। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए। आज आपके रैली में तृणमूल ने मांग किया है क्षमा याचना चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट भी जुटी है, सीबीआई भी जुटी है, इतनी सारी महिलाएं जुटी है और सिर्फ तृणमूल वाले सच्चे हैं। बंगाल की जनता सच जानती है और बैलेट बॉक्स पर मालूम पड़ेगा कि बंगाल की जनता संदेश खाली का जवाब देगी। कोयला घोटाले से रिलेटेड जो है, जो अहम लोग हैं, वो तो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। वो भी देखिए, जांच करना एजेंसी का काम है। हमने घोटालों को उठाया है, एजेंसी जांच कर रही है, जांच चल रही है। अनुव्रत मंडल जेल में है। तृणमूल का मांग है कि एनआरसी सीए के लिए कोई भी वोटर का नाम बात चला जाएगा, उनका आधार से उनका नाम चला जाएगा। ये झूठ बोल रही है। सीए में सभी लोग बेखौफ होकर रजिस्ट्रेशन करें, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, उल्टा उसको संरक्षण मिलेगा। तीसरे चरण के बाद बंगाल से कितनी सीटें आप आशाएं कर रहे हैं? हम 30 से ज़्यादा सीटें बंगाल से जीतेंगे। आप ये भीड़ देखे, किलोमीटरों तक आगे और किलोमीटरों तक पीछे, ये बड़ा जन सैलाब बताता है। पीछे भी बताओ, बड़ा जन सैलाब दिखाता है कि आज इस सीट पर से हमारे अहलूवालिया जी जीतने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से बंगाल में हम आगे निकल। अगले चार चरण के लिए बंगाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, बंगाल की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बम धमाकों के बंगाल से मुक्ति पाने के लिए, कट मनी और गुंडागर्दी से मुक्ति पाने के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए मोदी जी का समर्थन करिए। सोनार बांग्ला हमारा वादा है। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में वो 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।